नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड में बीते दिन बड़ा ही गौरवान्वित भरा पल देखने को मिला, जहां इंडस्ट्री में बने कई धुरंधर फिल्में और उसमें काम करने वाले सभी कैटेगरी के लोगों को 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहाँ इस लिस्ट में कई टैलेंटेड लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, वहीं इस लिस्ट में एक नाम इस वक्त की सबसे सफल एक्ट्रेस कहे जाने वाली आलिया भट्ट का भी शामिल है, जिन्होंने एक और उपलब्धि अब अपने नाम कर ली है। दरअसल आलिया भट्ट ने अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। वहीं अब इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर उनकी दो तस्वीरें साझा की है और खास पोस्ट भी शेयर किया है, जहां पहली तस्वीर में आलिया गंगूबाई काठियावाड़ी का पोज करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरे पिक्चर में आलिया खुलकर हंसती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान आलिया ने वाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहने हुए काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है। वहीं आलिया ने इस पोस्ट के साथ एक बड़ा ही प्यार भरा कैप्शन भी लिखा है, जहां आलिया ने अपने कैप्शन में लिखा है, संजय सर को, पूरी टीम को, मेरे परिवार के लिए, मेरी टीम को और मेरे दर्शकों के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार आपका है, क्योंकि आपके बिना ये कुछ भी संभव नहीं होगा। सचमुच मैं बहुत आभारी हूँ, मैंने ऐसे क्षणों को हल्के में नहीं लिया। मुझे आशा है कि मैं जब तक संभव हो मनोरंजन करती रहूंगी। प्यार और रोशनी गंगू, जिसे आलिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आलिया भट्ट ने अपने पोस्ट में कृति सेनन को भी बधाई दी है, क्योंकि उन्हें भी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। एक्ट्रेस ने लिखा है कि कृति, मुझे याद है कि जिस दिन मैंने मिमी देखी थी, उस दिन मैंने आपको मैसेज किया था, यह इतना ईमानदार और शक्तिशाली प्रदर्शन था। बता दें कि इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। बता दें कि ये सम्मान पाने वाले अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु एक्टर भी बन गए हैं। वहीं इस अवार्ड सेरेमनी में कई फिल्मों को एक से अधिक अवार्ड मिले हैं। फिल्म ट्रिपल आर को कुल 7 अवार्ड मिले हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी और सरदार उधम को 5-5 अवार्ड मिले हैं। वहीं द कश्मीर फाइल्स ने अपने नाम 2 अवार्ड कर लिए हैं। लेकिन इन सबसे हटकर आलिया भट्ट और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।